बूढ़ी गंडक नदी से अज्ञात महिला का शव बरामद, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में नदी से अज्ञात महिला का शव पुलिस ने बरामद किया है। मामला जिले के रोसड़ा शहर के बूढ़ी गंडक नदी के मुक्तिधाम समीप का है, जहां स्थानीय लोगों ने देखा कि नदी में एक महिला का शव है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे रोसड़ा थाना की पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया और मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है और लोगों के बीच तरह तरह की चर्चा बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म हुआ है और बाद में साक्ष्य छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई है। जिन लोगों ने प्रारंभिक दौर में शव को देखा है, उनके मुताबिक महिला के हाथ व पैर बंधे हुए थे और शव के पीठ पर बालू रख कर बांध दिया गया था ताकि शव नदी की गहराई में जा सके। क्या हुआ, लेडीज यहाँ पर डूबी हुई थी, उस पर निकाला गया था। पुलिस पर सजा नाम है, रोसड़े का है, सब मिल के उनको निकालने का काम किए। लाश पड़ी हुई वहाँ पे, आज इसका पहचानने वाला आदमी सब नहीं आया। यहाँ पे काफी भीड़ लगा हुआ था, सारे आदमी देख देख के चले गए। लाश जैसे निकलने के बाद सारे आदमी चले गए। यहाँ पे प्रशासन, रोसड़ा प्रशासन यहाँ पे है जो ले जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन कुमार। सूचना मिला था कि मुक्ति धाम में एक लाश है, तो वही आए थे हम लोग यहाँ पर। किस स्थिति में सर लाश है? वो पानी में था और उसके शरीर पर चाकू का निशान था। चाकू का निशान, महिला है कि लड़की है? महिला है। महिला है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पी न्यूज।